हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक आपने देख लिया होगा, करंट फीलिंग्स चेक करेंगे आपके पार्टनर की। लेकिन आज थोड़ा डिफरेंट करें गाइस। तो यहाँ पे मैंने चार पाइल्स रखी हैं जिसमें सारे साइंस आ गए गाइस। तो आपको अपना साइन वाला कार्ड चूज करना है, जो आपका साइन जिस कार्ड में है वो वाला आपको चूज करना है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपना साइन देख के उसको चूज कर सकते हैं। ये अर्थ साइन है यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सेकेंड है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी एयर साइन। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यानी वाटर साइन। और एरिस, लियो, सेजिटेरियस यानी फायर साइन। तो अपनी राशि के अकॉर्डिंग आप कार्ड चूज कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको पाइल वन में। ओके गाइस, ओके गाइस, हेलो पाइल वन। तो जिन्होंने अर्थ एनर्जी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न वाला कार्ड चूज किया, यानी कि आपका अगर साइन ये है तो आप अपने पार्टनर की क्या फीलिंग्स है वो देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं गाइस। तो सबसे पहले उनके फीलिंग्स चेक करेंगे और उसके बाद इंटेंशंस चेक करेंगे। ऑफ कोर्स ये सबसे रिजल्ट नहीं होगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी गाइस, अगर आप राशि के अकॉर्डिंग जब अपनी अपने पार्टनर की एनर्जीज देखते हैं तो डेफिनेटली वो सारे मैसेजेस नहीं मिलेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो मैसेजेस मैं दूंगी वो डेफिनेटली आपसे मिल सकते हैं। तो आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए और पूरी रीडिंग को देखिए। ओके चलिए हम स्टार्ट करते हैं गाइस। करंट फीलिंग्स चेक कर लेते हैं आपके टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के जो भी पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स क्या है, ये वो समय बताइए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं वो हमें बताइए। फीलिंग्स क्या हैं, क्या फील कर रहे हैं उनके लिए, फीलिंग्स क्या। फर्स्ट वी हैव द एम्प्रेस, टेन ऑफ सॉर्ड्स, द हेरोफेंट। ओके गाइस, तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं? तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी, यहाँ पे आपके पार्टनर एरीज हो सकते हैं और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। और यहाँ पे टॉरस का कार्ड स्पेशल है और एरीज का कार्ड स्पेशल है। ओके गाइस, तो यहाँ पे आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके लिए, करंटली वो क्या सोच रहे हैं। द एम्प्रेस का कार्ड आया है, आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं गाइस। तो उनकी फीलिंग्स आपके लिए ये है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि उनको नर्चर करना चाहते हैं। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूंगी, कार्ड के मीनिंग तो बहुत सारे होते हैं गाइस, लेकिन जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ बहुत सिंपल वे में बताना चाहती हूँ ताकि आपको रीडिंग समझ में आ सके। उस कार्ड का जो मीनिंग है वो नहीं बता रही मैं, उस कार्ड का जो मीनिंग आपसे जुड़ा हुआ है, मतलब अर्थ से मतलब नहीं, यहाँ पे जो फीलिंग्स कह रही हैं वो मैं बता रही हूँ। ओके गाइस, तो हम चलते हैं अपनी रीडिंग में। तो एम्प्रेस का कार्ड ये हमें बताता है कि आपके लिए क्या फील कर रहे हैं वो, आपको आपको बहुत ज़्यादा एम्प्रेस की तरह देखते हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स ये हैं कि आपको पाना उनको बहुत ज़्यादा कठिन लगता है। मुझे लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं आपके बारे में जो उनके थॉट्स हैं या फीलिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा नर्चर करने वाली है, यानी कि आप उनको बहुत ज़्यादा नर्चर करते हैं, आप उनकी टेक केयर करते हैं, आप उनकी देखभाल करने में कोई कमी नहीं रखते। मुझे लगता है कि आपने उनको बहुत ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प की है। ये पर्सन ऐसे हैं जो आपको बहुत हाईली देखते हैं, अपने आप से बहुत ज़्यादा हाई रिगार्ड्स में देखते हैं आपको। उनको लगता है कि आपको पाना एक बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग करना एक्सक्यूज मी आपको पाना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी करना है, यानी कि आपको पाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा मेहनत या आपके लेवल तक आने के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग करनी पड़ेगी। ये उनकी फीलिंग्स करंटली मैं बता रही हूँ, करंटली वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं कि आपके जैसा उनके जीवन में कोई पर्सन नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। एक्चुअली ये जो कार्ड है ये भी हमें ये बताता है कि आप उनके जीवन में एक ऐसे पर्सन हैं जो उनकी सच्ची खुशियां ला सकते हैं। उनको पता है कि आप अगर उनके जीवन में आएंगे तो बहुत कुछ पॉजिटिव होगा, बहुत कुछ उनके जीवन में चेंज होगा, जो अब तक उनकी जीवन में जो नहीं थी खुशी वो आप लाएंगे, और आप एक ऐसे पर्सन हैं। ओके, यहाँ पे टेन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। डेफिनेटली या तो उनके हेल्थ इश्यूज अभी इस वक्त हो सकते हैं, या तो बीमार हैं वो, किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा उनको पेन फील हो रहा है, हो सकता है हेल्थ इश्यूज मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि टेन ऑफ सॉर्ड्स एक कंप्लीशन का कार्ड होता है वैसे भी। और एक जब किसी बात की
एक्सिस में कोई बात हो जाती है तो उसका अंत यानी मैक्सिमम पॉइंट में दर्द की सिचुएशन है उनकी, जो कि वो खत्म करके उससे बाहर आना चाहते हैं। यानी कि आपके पार्टनर एक नई शुरुआत अपने जीवन में करना चाहते हैं, और अगर ये बात नहीं है तो उनके हेल्थ इश्यूज उनको परेशान करें, कुछ पेन है बॉडी से रिलेटेड या सिर दर्द हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उनके पेन, कुछ ना कुछ बैक बोन में पेन हो सकता है इस तरह का मुझे यहाँ पे दिख रहा है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि कोई घर में बीमार है, इस तरह की एनर्जी भी हो सकती है जिसकी देखभाल उनको करनी पड़ रही है। तो उनकी फीलिंग्स आपको लेकर हम देख रहे हैं, तो ये तो मैंने बता दिया उनके लिए, लेकिन उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या है? वो आपके बिना एक दर्द में है, यानी कि उनको मालूम है कि आपको पाना बहुत मुश्किल है और ये दर्द उनको सताए जा रहा है। ये 10 ऑफ सोर्स का कार्ड इसीलिए आया गाइस, यहाँ पे वो इस दर्द से छुटकारा पाना चाहते हैं, यानी कि उनके मन में कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत आपके साथ जरूर है। ये कार्ड शायद 70 मीनिंग रखता हो, लेकिन यहाँ पे मेन मीनिंग मुझे ये दिख रहा है कि आपको नहीं पाने का गम उनके दिल में है। वो जानते हैं कि आपको पाना एक इम्पॉसिबल से बात लगती है उनको, लेकिन फिर भी वो एक चांस या एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके लिए एक कुछ स्टेप आगे बढ़े, आपको लेके या आपकी कनेक्शन को लेके वो कोई एक स्टेप आगे ले, लेकिन चाहकर भी नहीं ले पाते, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं एक कोने में उनका दिमाग कहता है कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, नहीं मैं इनको नहीं पा सकता। इस तरह की एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो आपके पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा दुख में है, या तो हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, या फिर आपके लिए ऐसा सोचते हैं कि आप उनके जो अप्रोच है उससे कहीं आगे हैं, यानी कि उनके अप्रोच में नहीं है, आपको पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो एक एक रिस्क लेना आपके लिए ज़रूर चाहेंगे। द हायरोफेंट का नेक्स्ट कार्ड बहुत मेजर अरकाना है गाइस, ये दोनों मेजर अरकाना है, ये बहुत सिग्निफिकेंट मीनिंग होते हैं। एक लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ, वो एक लॉन्ग टर्म की सोच रहे हैं, यानी कि जीवन बिताने की सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको सारी बातें मालूम है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, पाना मुश्किल है, सब बातें जानते हुए भी एक हेरोफेंट ये कार्ड होता है कि अपने आप को उस लेवल तक पहुंचाने की जिद उनमें बनी हुई है। दे हेरोफेंट एक बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी हो रही है, टॉरस का कार्ड होता है, और इस एनर्जी में आके वो ये सोचते हैं कि आपके हस्बैंड की तरह वो कैसे रहेंगे। अगर आप एम्प्रेस हैं तो वो एक हेरोफेंट यानी बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन होता है, ज्ञानी पर्सन होता है, एक ऐसा पर्सन जो कि किसी भी चीज़ को लाइटली नहीं लेता, सीरियसली किसी मैटर में काम करता है, बहुत ज़्यादा अथॉरिटी वाली पोजीशन पे होता है। इस पोजीशन पे अपने आप को रखना चाहते हैं, या उनकी ज़िद है कि मैं इस मुकाम तक पहुँचूँ, ताकि आप एक एम्प्रेस हैं तो उनको एक्सेप्ट करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। ये मुझे यहाँ पे डेफिनेटली फील हो रहा है, उनके दिलो दिमाग में ये बात छाई हुई है कि आप एक हाई रिगार्ड्स के पर्सन हैं, और आप तक पहुंचने के लिए उनको कुछ ना कुछ ऐसा अपने जीवन में करना है जिससे वो अपनी वेल्थ को ग्रो कर सके। और हेरोफेंट उसी बात को दर्शाता है कि आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये हस्बैंड का कार्ड भी होता है गाइज, यहाँ पे आपके जो पर्सन वो आपके लिए एक आपको मैरिज मटेरियल समझते हैं, और आपके साथ एक जिंदगी बिताने के बारे में बहुत कुछ सोच रहे हैं और एक कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, लेकिन कुछ है जो उनको पीछे रोकता है। तो ये हो गई उनकी फीलिंग्स गाइस। अब हम देखते हैं उनकी ये जो फीलिंग्स है गाइस, हो सकता है कि ये इस पे काम करें, ये थॉट्स हैं, सिर्फ उनके थॉट्स हैं, हो सकता है ये काम वो करें या नहीं करें, ये उनकी मर्जी है, ये हम नहीं जानते। अब उनकी इंटेंशन जरूर देख लेना चाहूंगी मैं, इंटेंशन देखते हैं क्या है। स्पिरिट्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की जो पर्सन है उनकी इंटेंशन मेरे व्यूअर को लेके क्या है। इंटेंशंस बताइए। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, द मून एंड द फूल। ओके, बॉटम में देखिए भाई गाइस, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, तो गाइस उनकी इंटेंशंस बहुत सही है आपके लिए, जहां तक मैं कार्ड्स आए पॉजिटिव ही हैं गाइस। यहाँ पे कोई इश्यूज है यानी कि बहुत कुछ ऐसा है जिससे वो डरते हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी ये कहती है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं वो, इंटेंशंस आपकी तरफ आपको प्यार देने की है। उनकी इंटेंशंस ये है कि आपको अपने जीवन में बनाए रखना, उनकी इंटेंशंस ये है कि आपका जो ऑरा है उसको अपने जीवन में
लाना, यानी कि आप जैसे पर्सन को ही वो अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं और ये प्यार बिल्कुल सच्चा है। ये तीन बातें बताता है कार्ड, ये आपको एक हाई रिगार्ड्स में देखते हैं जैसे पहले भी हैं, लेकिन इंटेंशंस ये है, आपको प्यार देने की इंटेंशंस है, बिल्कुल आप जैसा उनको प्यार करते हैं उसी तरह आपको लौटाना चाहते हैं, ये उनकी इंटेंशंस है। कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा आपके लिए एक प्लानिंग सी मुझे यहाँ पे दिख रही है, इनकी इंटेंशंस में आपके लिए प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं गाइस। यहाँ पे आपको कुछ देने की इच्छा है इनको, यानी कि कुछ ना कुछ ये आपसे कहना चाहते हैं या कुछ आपको देना चाहते हैं जिससे आपको इन पे ट्रस्ट बढ़े, ये इनकी इंटेंशंस है। इनकी इंटेंशंस है कि जो भी आपके बीच में छुपा हुआ है, जो भी आपसे छुपाया गया है, उसको खुलकर बताया जाए। इनकी इंटेंशंस ये है कि अगर कोई इश्यूज आप दोनों के बीच में आ रहे हैं, या कोई मदर इश्यूज हो सकते हैं, ये जो भी इशू है आपके जो बीच में आ रहा है उसको हटाने की ये सोच रहे हैं। डेफिनेटली पार्टनर जो डर है इनके मन में उसको हटाने की सोच रहे हैं, आपके कनेक्शन में जो भी बीच में आ रहा है उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा ये कार्ड ये बताता है कि द मून की एनर्जी एक मेजर अर्कन है, ये बताता है कि जो भी उन्होंने अपने माइंड में आपके लिए जो प्लानिंग करी है उसको वो आपको बताना चाहते हैं, यानी कि जो क्लियरिटी अब तक आप दोनों के रिलेशन में नहीं है, उस क्लियरिटी को आपको बताना चाहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ, ये प्लानिंग कर रहा हूँ, ये प्लानिंग आपको बहुत जल्द बताने वाले हैं। इनकी इंटेंशंस यही है कि जो भी उनके मन में चल रहा है आपको क्लियर कट बताना चाहते हैं। मून की एनर्जी डर को भी बताती है, डरते हैं आपको बताने से, या आपके जो जो आपका ऑरा है उससे भी डरते हैं गाइस, ये कार्ड भी बताता है। उनकी इंटेंशंस आपको सब कुछ साफ साफ बताने की है, लेकिन कुछ डर उनके मन में है। नेक्स्ट हमारे सामने तो फूल का कार्ड, जो कि बताता है उनकी इंटेंशंस बहुत प्योर है गाइस आपके लिए, वो एक रिस्क लेने के लिए, यानी कि जैसे देख रहे हैं आप ये पहाड़ी से नीचे कूदने वाला है इंसान, बिल्कुल ये बिल्कुल फ्री होके, उन्होंने शायद दो कार्ड की मीनिंग हो सकते हैं गाइस, यहाँ पे मैं इंटेंशंस बता रही हूँ, तो उनके इंटेंशंस यही है गाइस कि आपके लिए एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, एक रिस्क, जैसा कि मैंने पहले भी कार्ड्स में देखा, रिस्क लेना चाहते हैं आपके लिए, एक स्टेप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा ये मतलब होता है कि उन्होंने सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया है, कुछ ना कुछ आपसे डर भी है उनको, और उनको लगता है कि ये कनेक्शन कहीं ना कहीं डिवाइनली गाइडेड है, यानी कि भगवान ही इसमें कुछ कर सकता है, ना तो मैं कर सकता हूँ ना आप कर सकते हैं। तो ऐसी उनकी इंटेंशंस है कि अब उन्होंने सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया है। देखिए पेज ऑफ कप्स, ये कार्ड क्या बताता है गाइस, ये ओवरऑल एनर्जी आई है उनकी, तो पेज ऑफ कप्स ये बताता है कि उन्होंने पास्ट जो में जो कुछ हुआ पास्ट में गलतियों से उन्होंने कुछ सीखा है, उस गलती का पछतावा भी उन्हें है, और आपके साथ एक नई शुरुआत के लिए उस सबक लिया है उन्होंने कुछ, यानी कि आपके जो जो भी आपके रिलेशनशिप में जो भी ऊपर नीचे या उतराव चढ़ाव आए हैं उन्होंने उससे सबक लिया है, और कहीं ना कहीं एक कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए अब नई शुरुआत के लिए रेडी है। आपको एक ऑफर या आपको बातों की क्लियरिटी जरूर इनके इनकी तरफ से आपके पास आ सकती है। तो गाइज आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं आप पाइल टू की ओर। ओके गाइस, तो जिन्होंने जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस का कार्ड चुना था, यानी ये येलो कार्ड चुना था, उनकी क्या उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या है, वो क्या फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए, तो ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के जो पर्सन है उनकी फीलिंग्स बताइए हमें, यूनिवर्स उनकी फीलिंग्स बताइए, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की फीलिंग्स बताइए। क्या फील कर रहे हैं, फोर ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। ओके गाइस, बॉटम में देखिए एट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो आपके जो पार्टनर है वो टॉरस हो सकते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकते हैं, और एरिस जो सेजिटेरियस भी आपके पार्टनर हो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ये जो क्वीन है या टॉरस की एनर्जी है तो मुझे सॉरी विरगो की एनर्जी है, तो आपके जो पार्टनर है विरगो हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं और कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे ये लग रहे हैं साइंस। तो आपके पार्टनर जो भी हैं उनको लगता है कि अब आपका ऑफर जो है वो स्वीकार नहीं करेंगे, एक्चुअली उनका मन में ये है कि अब आपका ऑफर वो स्वीकार नहीं करना चाहते, उनके मन में
आपका शायद वो बहुत ज़्यादा वेट कर चुके हैं, मुझे लगता है कि आपका वो दिन रात वेट करते हैं और अब वो आपकी जो मतलब आपकी कनेक्शन में मुझे ऑफर नहीं लग रहा गाइज। इस कार्ड को अगर दूसरी तरह से पढ़ें तो मुझे उनकी जो फीलिंग्स है वो ये दिखती है कि आपके कनेक्शन से वो बोर हो चुके हैं, मतलब आपका वेट कर करके वो थक चुके हैं और कम कहीं ना कहीं उनके मन में एक एंजाइटी सी हो गई है, वो ऊब गए हैं इस रिलेशनशिप से। कुछ एक्शन नहीं है आपका, यानी कि आप उनके प्रति कोई एक्शन नहीं दिखाते और कुछ न कुछ एक्शन की कमी यहाँ पे मुझे लग रही है। आपके जो पार्टनर हैं आपसे बहुत दुखी हो चुके हैं, मुझे लग रहा है कि आपसे वो बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि आप उनकी उनको फीलिंग्स बताएं, पर वो आप कुछ नहीं कहते, एक्शन नहीं लेते, तो इससे वो इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा बोरियत महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि एक तरफा बात नहीं हो, दोनों तरफों से बात हो तो बात बनती है, इस तरह की उनकी एनर्जी मुझे लग रहा है। आपके जो पार्टनर हैं वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, यानी कि वो उनके पास बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत कुछ अपने यहाँ समय है, बहुत कुछ कुछ काम करते होंगे, कुछ बिजनेस है उनका या कि कुछ जॉब करते होंगे, तो अपने आप को बहुत बिजी करने में लगे हैं ताकि आपकी याद उनको नहीं सताए। यहाँ पे उनके फीलिंग्स देख रहे हैं गाइस, करेंटली उनकी फीलिंग्स ये है कि आपको छोड़ के वो अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आपके कनेक्शन में आपके ना एक्शन लेने से या कोई एक्शन आपका दिख नहीं रहा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा उदास हो गए हैं, कहीं ना दुखी हैं और वो अब आपके ऑफर को लेके कोई में रिएक्शन नहीं हो रहा, यानी कि आप आए ना आए उनके लिए बराबर है, आप दिखे ना दिखे उनके लिए बराबर है, यानी कि वो अपने काम में बिजी हैं, अपने आप में बिजी हैं, अपने जॉब को लेके अपने करियर को लेके वो एक ग्रो करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनके पास ये जो अबंडेंस है, उनके पास जो आपके जो भी पार्टनर हैं उनके पास कुछ ना कुछ ऐसा काम है जो अपने आप को बिजी रख सकते हैं, यानी कि आपके अलावा भी बहुत कुछ करने को है उनको। ये फीलिंग्स हैं गाइज उनकी, आपको छोड़ के भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको करने हैं, वो उन पे काम पे उनका फोकस है, ये कह सकती हूँ मैं। वो अपने पेंटिकल्स पे फोकस कर रही है, यानी कि अपने काम धंधे पे फोकस कर रही है, आपको छोड़ के वो इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे कि आप आए ना आए, इससे उनको अभी मतलब नहीं है, सिर्फ अपने काम से मतलब है। दूसरी बात यह है कि वो आपसे एक नई शुरुआत चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनके दिलो दिमाग में आपसे नई शुरुआत करने की है, आपको बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं। ये कार्ड ये भी कहता है कि आपने कुछ उनसे सीक्रेट रखा है उसके बारे में, वो पूछते भी होंगे आपसे लेकिन आप बताते नहीं हैं, कोई एक्शन नहीं लेते, आपका क्लियर कट कभी भी जवाब नहीं होता जो भी क्वेश्चन होते हैं, तो इस बारे में वो आपसे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपके साथ एक डेट पर जाना चाहते हैं। उनके मन में कहीं ना कहीं ये है कि आपसे मिलके वो पूछें कि आपकी क्या हालचाल है, आप क्या छुपा रहे हैं इनसे, ये सब जानकारी आपके बारे में और जानने की इच्छा है उनकी, तो करंटली वो आपके लिए ये सोच रहे हैं कहीं ना कहीं। ये देखिए एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि आपकी पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, डेफिनेटली ओवरऑल एनर्जी ये कहती है कि आपसे एक ऐसी बातचीत करना चाहते हैं जिसमें वो बहुत ज़्यादा अपने माइंड से क्लियर हो, आपके साथ भी क्लियर हो, मतलब क्लियरिटी एक जो आप दोनों में कम कम्युनिकेशन की वजह से या आप कोई इश्यूज आप दोनों में है उस उनको उन इश्यूज को या स्ट्रगल जो भी चल रही है आपकी कनेक्शन में उसको दूर हटाने के लिए आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक जो आप दोनों की बातचीत करना बहुत ज़रूरी मुझे यहाँ पे लग रहा है। इन काम के अलावा भी उनका जो बोर होना आपके कनेक्शन में, अपने काम पे फोकस देना और आपको अधिक जानने की जो इच्छा है उनके मन में, वो इस कम्युनिकेशन की वजह से, यानी कि मेन पॉइंट आपका यहाँ पे ये यह है कि वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। जो मेजर जो आप दोनों में जो जो भी इशू है उसका मेजर पॉइंट आप में कम्युनिकेशन की कमी है, यानी कि अगर आप खुल के एक दूसरे से बात करते हैं तो आपकी शायद इशूज़ दूर हो सकते हैं। और देखिए उसके बाद भी स्टार का कार्ड है हमारे पास, आप में से कोई जैसे कि हमारे पास एयर साइन है, आपके पार्टनर यानी कि मेरे जो व्यूअर हैं वो एक्वेरियस हो सकते हैं, आपसे एक नई शुरुआत की सोच रहे हो कहीं ना कहीं, लेकिन आपको आप चाहते हैं यानी कि मेरे व्यूअर चाहते हैं, मतलब जो जिनके बारे में पूछ रहे हैं आप, वो चाहते हैं कि आपसे जो भी बातचीत हो वो क्लियर कट हो, उनको बातों की क्लियरिटी चाहिए, तो ये उनकी करंट फीलिंग्स है गाइस। अब हम देख लेते हैं कि वो इस बारे में कुछ भी कर सकते हैं, ये सिर्फ उनकी फीलिंग्स हैं, वो शायद आपको बताएंगे नहीं कि वो आपसे बोर हो रहे हैं, वो शायद ये भी नहीं बताएंगे कि वो अपने फोकस उनका कहाँ पे है, लेकिन ये सारी बातें उनकी फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं शायद उनके, हो सकता है इसको आपको बताएं कि कुछ कंडीशन में आपको बता सकते हैं और कुछ कंडीशन में नहीं बता सकते, लेकिन ओवरऑल वो आपसे बात जरूर करना चाहते हैं, ये मुझे यहाँ पे देखा। हालांकि आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा बोरिंग उनको फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपने टाइम ले लिया, एक्शन नहीं दिखते आपके, ये सब बातें शायद आपसे नहीं कहेंगे, लेकिन उनके थॉट्स कहते हैं कि उनके थॉट्स में यही चल रहा है। आप देखते हैं उनके इंटेंशंस क्या है, कुछ केसेस में ये बता देंगे आपको, कुछ केसेस में नहीं बताएंगे, लेकिन अब उनके इंटेंशंस देख लेते हैं गाइस। चलिए देखते हैं स्पिरिट्स हमें बताइए कि जेमिना लिब्रा एक्वेरियस के जो पार्टनर हैं उनके इंटेंशंस उनको लेके क्या है, इंटेंशंस बताइए। इंटेंशन
इंटेंशंस बताइए, क्या चाहते हैं आखिर आपसे, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के जो पार्टनर हैं उनसे क्या चाहते हैं। चलिए गाइस, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए इसके अलावा मेरी मंथली रीडिंग जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं इंटेंशंस। नाइट ऑफ कप्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, इंटेंशंस क्या है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो गाइस यहाँ पे इंटेंशंस यानी कि उनके इरादे क्या हैं, इरादे आपके साथ एक नई शुरुआत करने के हैं। गाइस नाइट ऑफ कप्स ये बताता है कि वो आपसे बातचीत करके एक सुलह करना चाहते हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत उनको करनी है। डेफिनेटली वो अपनी फीलिंग्स आपको बताएंगे और आपसे भी चाहते हैं कि आप अपनी फीलिंग्स को क्लियरली उनको बताएं कि आप उनसे क्या चाहते हैं। इंटेंशंस आपके लिए प्योर हैं उनकी, बिल्कुल यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, एक मेरे लिए एक सच्चाई पसंद औरत होती है, यानी कि आपके जो भी पार्टनर है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, वो आपसे सच्चाई सुनना चाहते हैं रिलेशनशिप में, उनको ड्यूल माइंड नहीं चाहिए। ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर जो है वो उनकी इंटेंशंस आपके ड्यूल माइंड से परेशान है वो, यानी कि आप दो तरफा दो तलवारों को एक साथ हैंडल कर रहे हैं तो ये बात उनको पसंद नहीं है। ये कार्ड ही कहता है कि उनकी इंटेंशन बहुत प्योर है लेकिन वो एक कन्फ्यूजन में नहीं रहना चाहते, आपको नहीं रखना चाहते और खुद भी कन्फ्यूजन में नहीं रहना चाहते। उनकी इंटेंशंस देख रहे हैं यानी कि अपने कन्फ्यूजन को मिटाना चाहते हैं। आपके जो भी पार्टनर है मेल फीमेल, अपने कन्फ्यूजन को दूर करना चाहते हैं। आपके रिलेशनशिप में कोई ऐसी बातें हैं जिनसे वो ड्यूल माइंडेड हो रहे हैं, यानी कि आपके पर्सन दो राहें पर खड़े हैं, क्रॉस रोड पर खड़े हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, इसलिए आपसे क्लैरिटी मांग रहे हैं। वो नई शुरुआत चाहते हैं डेफिनेटली, लेकिन क्लैरिटी के साथ चाहते हैं। उनके जो इंटेंशंस है आपके लिए बहुत प्योर है, जैसे कि मैंने कहा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया यहाँ पे, वो आपके साथ एक नई शुरुआत के साथ एक सच्चाई के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। वो बहुत पावरफुल है मुझे यहाँ पे लग रहा है। जो भी आपके पार्टनर है वो एरिस व्यू सेजिटेरियस हो सकते हैं, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी हो सकते हैं और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस भी हो सकते हैं। तो साइन उनका कुछ भी हो लेकिन उनकी इंटेंशंस आपको लेकर एक नई शुरुआत की है, आपने आपको लेकर जो उनकी कन्फ्यूजन बना हुआ है माइंड में उसको हटाने की है। और अगेन एक पावरफुल, एक सच्चाई पसंद जो औरत होती है, मतलब आपसे सच्चाई सुनने की है, उनकी इंटेंशंस आगे सच्चाई के साथ बढ़ने की है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यानी कि वो चाहते हैं कि अगर आपने ये नहीं बताया तो उनके इंटेंशंस यही है कि आपको वो छोड़ देंगे और आपके कनेक्शन में कोई भी स्टेप वो अपनी तरफ से नहीं लेंगे। ये कार्ड मेरे लिए एक इस तरह दुखी कार्ड होता है जो कि किसी को ना चाहते हो भी छोड़ने का कार्ड। मेरे लिए कार्ड इस तरह का है कि आपके जो पार्टनर हैं आपको छोड़ना नहीं चाहते लेकिन आपकी हरकतें, आपके एक्शन उनको छोड़ने के लिए मजबूर कर देंगे, ये उनकी इंटेंशन है। ये ओवरऑल एनर्जी आई है गाइस, लेकिन आपसे उनके मन में कहीं ना कहीं आपको लेगी नई शुरुआत है, लेकिन वो अगर इस कनेक्शन में आपके एक्शन नहीं देखेंगे तो डेफिनेटली उनकी जो फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ जाएंगी, यानी कि वो आपको छोड़ने के लिए बिल्कुल रेडी रहेंगे। आप पे कोई ध्यान नहीं होगा, उनका जो फोकस अब तक था आप पे वो आपसे हटता जा रहा है, ये बात ध्यान रख लीजिए आप। तो ये कार्ड हमें कहता है कि अब वो आपके कनेक्शन में कुछ भी स्टेप नहीं लेंगे, आपकी तरफ से देखेंगे कि आप क्या करना चाहेंगे और अगर आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं मिला तो उनके वॉकआउट कर जाएंगे। ये एनर्जी मुझे है, जैसे कार्ड आएंगे वैसे ही मुझे बताने पड़ते हैं, लेकिन मैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड जरूर निकालूंगी कि आपको क्या करना चाहिए। यानी कि जो मेरे व्यूअर देख रहे हैं जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, उनके लिए एडवाइस बताइए। ये एनर्जी ओरेकल कार्ड है, आपके लिए सिर्फ एक कार्ड निकालूंगी, आपके लिए एडवाइस क्या है एडवाइस देख लेते हैं गाइस आपके लिए। केयरिंग कनेक्शन आया है, नंबर 14 आपके लिए सिग्निफिकेंट है। गाइस देखिए 14 का जो कैलकुलेट करते हैं तो 4 और 1 5 होता है, 5 चेंजेस को बताता है। आप जिस एनर्जी में हैं उससे बाहर आना पड़ेगा आपको, आपको आपके पार्टनर की केयर करनी पड़ेगी, डेफिनेटली आपको अपनी फीलिंग्स उनको बतानी पड़ेगी, अदरवाइज इस कनेक्शन में आगे कुछ नहीं होगा। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप अपने पार्टनर की कद्र कीजिए, उनकी जो फीलिंग्स है उसकी भावना को समझिए और कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को बहुत केयरिंग बनाइए, तभी आपका कनेक्शन आगे बढ़ सकता है। तो ये थी रीडिंग गाइस, आपको कैसी लगी मुझे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ थर्ड पाइल में। ओके गाइस, तो जिन्होंने ये कार्ड चूज किया था नंबर 3 का, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, अगर आपका साइन है तो आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है वो हम देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं गाइस। डेफिनेटली ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी लेकिन अगर आप साइन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो गाइस डेफिनेटली आपके पार्टनर की एनर्जीज आपको बहुत से बातें या मैसेजेस आपको रेजोनेट करेंगे। ओके,
तो हम चलते चलिए चलते हैं हम गाइस कार्ड कैसे क्रिएट है। ओके ओके गाइस, तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की एनर्जी देख रहे हैं, सॉरी कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी हम देख रहे हैं। फीलिंग्स देख लेते हैं पहले, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस के जो पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं, स्पिरिट्स हमें बताइए। गाइज मैंने ऑलरेडी शफल कर लिया था लेकिन फिर से शफल कर लेते हैं एक बार, देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। ओके, वी हैव एट ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव सेवन ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव थ्री ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे कोई टॉरस फिर को कैप्रिकॉर्न आपके पार्टनर का साइन हो सकता है या फिर एरिस जो सेजिटेरियस स्ट्रांगली लग रहे हैं हमें। और बॉटम में देखिए डेविल कैप्रिकॉर्न आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो अभी आपके लिए क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर वो हम देखने वाले हैं। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेके बहुत सीरियस हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। उनको लगता है अगर मैंने इसमें कुछ एफर्ट्स नहीं लगाए तो आप उनको छोड़ देंगे। उनकी एनर्जी है कि आप अपने जो आपके पार्टनर हैं उनके फीलिंग्स ये हैं कि उनको बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन से आशा है और वो बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं इस कनेक्शन पर। उनको लगता है कि आप जैसा पर्सन उनकी ज़िंदगी में आएगा तो वो अपने आप उनको सक्सेस मिलेगी। उनका मानना है कि ये एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यानी कि वो स्किलफुली काम कर रहे हैं आपके आप तक पहुंचने के लिए। उनको बहुत कुछ करना है, सफलता पानी है, इसी सफलता को लेके वो बहुत ज़्यादा अपने आप को ग्रो करने में लगे हुए हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि आपकी जो पार्टनर है वो अपनी अपनी बात को मनवाने के लिए जिद पे अड़े हैं। वो एक जिद पे, विल पावर उनकी बहुत बढ़ चुकी है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपके उसमें लग रही है मुझे यहाँ पे। यानी कि बहुत सारे लोग उनके बातों से असहमत हैं, यानी कि जो भी बात या जो भी आपके कनेक्शन को लेकर बातचीत चल रही है उससे बहुत ज़्यादा लोग असमर्थ हैं। उनकी बातों का कोई भरोसा नहीं कर रहा है और उनको लगता है कि मुझे अब जिद पे अड़े रहना पड़ेगा। यानी कि वो अपने आप को हार्डवर्किंग में तो लगा ही रखा है उन्होंने, बल्कि बहुत स्किलफुली काम करके बताना चाहते हैं, अपने आप को साबित करना चाहते हैं। ये कार्ड ये कहता है आपके लिए, आपके कनेक्शन के लिए अपने आप को साबित करके बताना चाहते हैं और एक अपनी जिद रखना चाहते हैं। यानी कि अपनी विल पावर को उन्होंने बढ़ा लिया है कि मुझे ऐसा करना है तो इस काम पे डटे रहना है। यानी कि अपनी जो जिद है या अपने जो काम है या आपके लिए उनकी जो कनेक्शन में वो जिद है उस पर वो डटे रहना चाहते हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अगेन एक किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। यानी कि ये वेट इस तरह का है गाइस, यहाँ पे राइट टाइम का वेट है, यानी कि किसी टाइम का सही समय का वेट कर रहे हैं जब वो अपनी अपनी स्किल्स को आपको बताने वाले हैं। यानी कि जो भी आपके कनेक्शन में उनको करने हैं उसको बताने वाले हैं। द डेविल की एनर्जी ओवरऑल आएगी गाइस, यहाँ पे डेविल की एनर्जी ये बता रहे हैं कि आपके प्रति वो बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, आपको लेके सीरियस हैं और कहीं ना कहीं आपको आपसे अट्रैक्टिव भी बहुत है, सेक्चुअली बहुत अट्रैक्टेड हैं आपसे। और आपके कारण उनकी कुछ ऐसे हैं कि वो आपको छोड़ के भी नहीं छोड़ पाते, एडिक्शन आपका बना हुआ है उनको। यानी कि आपके कनेक्शन में जो आपके पार्टनर हैं वो आपके प्रति एडिक्ट हैं। एडिक्ट से मतलब कोई बुराई नहीं गाइस, वो आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं। ये एडिक्शन ये है, आपको उनकी लत लग चुकी है या कहें कि आपके प्यार के वो आदि हो चुके हैं और उसको छोड़ना उनके बस की बात नहीं है। इसीलिए अपनी जिद पे अड़े हैं, वो आपको पाना चाहते हैं। उसके बारे में आप आगे भी देखिए गाइस, एम्प्रेस का कार्ड आया है, वो आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं और आपको पाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा स्किलफुली काम करना पड़ेगा। ये स्किल्सफुली काम करके आप तक पहुंचना चाहते हैं और दुनिया को बताना चाहते हैं कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। अपनी जिद पे अड़े हैं कि आपको पाने के लिए कितना ही स्ट्रगल हो लेकिन आपको पाने के लिए एक सही टाइम का वेट करें, यानी कि बहुत सही टाइम का वेट करें जब वो अपनी बात दुनिया के सामने रख सकें, यानी घर वालों के सामने अपनी बात रख सकें, आपको बता सकें, आपको इंट्रोड्यूस करा सकें अपनी फैमिली में। इस तरह का उनकी फीलिंग दिख रही है मुझे। ओवरऑल उनकी जो आप उनकी लत हैं, यानी कि आप ऐसे पर्सन हैं जो जिनको वो चाह के भी नहीं छोड़ सकते गाइस। तो ये उनकी फीलिंग्स बहुत प्योर हैं। ओके, तो अब उनकी ये फीलिंग्स हैं, चाहे वो आपको बताएं ना बताएं, अपने परिवार वालों को बताएं ना बताएं, लेकिन ये सिर्फ उनके थॉट्स और फीलिंग्स हैं। आप देख लेते हैं उनकी इंटेंशंस आपको लेके कैसी हैं वो देख लेते हैं। तो चलिए हम दोबारा शफल करते हैं। स्पिरिट्स हमें बताइए जो कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस के जो पर्सन हैं वो इनके लिए इंटेंटिवली क्या सोचते हैं, इंटेंशंस क्या हैं इनके, क्या करना चाहते हैं रिलेशन में, क्या चाहते हैं इनसे। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस के पर्सन क्या चाहते हैं, इंटेंशंस क्या हैं, इंटेंशंस देख लेते हैं। ओके, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोफेंट,
डेथ. ओके गाइस, यहाँ पे दो मेजर आकर आ चुके हैं. बॉटम में देखते हैं थ्री ऑफ सॉर्ड्स. ओके गाइस, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे दिख रही है. इंटेंशंस ये हैं कि वो थर्ड पार्टी से छुटकारा पाना चाहते हैं. थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, कोई दूसरा पर्सन हो सकता है. आप ये भी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो ऑलरेडी मैरिड हैं, तो वो मैरिड होने की वजह से किसी को उनको छोड़ना पड़ेगा. ये बात उनको समझ आ चुकी है. एक देखिए, आपके पास आने के लिए वो अपने आप को गार्डेड होके चल रहे हैं. आपको अपने प्यार का भरोसा दिलाना चाहते हैं, लेकिन अपने चारों तरफ उन्होंने एक दीवार सी, वॉल सी खड़ी कर रखी है, जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, आपको प्रोटेक्ट कर सकें. यानी कि आपके पास आने के लिए वो डरते हैं. उनको लगता है कि मेरी उनकी जो मैरिज है या कोई पार्टनर है, आप दोनों के बीच में आ रहा है, इसलिए अपने आप को और आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं. वो जो सिचुएशन क्रिएट होगी वो थर्ड पार्टी वाली, उससे बचना चाहते हैं कहीं ना कहीं आपके पार्टनर. उनके इंटेंशंस ये है कि आपको प्रोटेक्शन दे. कहीं ना कहीं इन सब जो जो भी झगड़े फसाद अगर थर्ड पार्टी को पता चल गया तो क्या होगा, इस तरह की एनर्जी से बचने के लिए वो अपने आप को और आपको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं. थोड़ा छुप छुप के या जो भी उनके थॉट्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग कर रहे हैं. ये आपने देखा था उनके जो थॉट्स थे, उसमें थॉट्स में आप यहाँ पे गाइस डोंट वरी. लेकिन वो एक मैरिड पर्सन है, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन इस मैरिज से छुटकारा पाना चाहते हैं. एक डेथ का कार्ड हमें ये बताता है, मेजर अरकाना है गाइस दोनों ही. डेथ का कार्ड, आप में से कोई टॉरस हो सकता है, आपके पार्टनर टॉरस हो सकते हैं, या कैप्रिकॉन भी हो, सॉरी स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं. डेथ का कार्ड स्कॉर्पियो का होता है और हेरोफेंट टॉरस का कार्ड होता है. तो आप दोनों, आपके पर्सन का हो सकता है ये साइन. तो डेथ कार्ड हमें ये बताता है कि उनका इनर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज कर रहे हैं. जैसे कि हमने देखा था, बहुत ज़्यादा स्किलफुली काम कर रहे हैं, तो अपने आप को आपके बराबर लाने के लिए बहुत ज़्यादा चेंज कर रहे हैं. उनमें बदलाव बहुत देखने को मिल रहे हैं. कहीं ना कहीं ये किसी पर्सन को पीछे छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं. जैसे कि हमने थर्ड पार्टी का जिक्र किया, तो थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आना चाहिए. ओवरऑल उनका हार्ट ब्रेक किसी न किसी का उनको करना है. यानी कि जो आपके पार्टनर है वो ऐसा सोचते हैं कि आपके पास आने के लिए किसी को हार्ट ब्रेक देना पड़ेगा. यानी थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आएंगे तो किसी चीज़ को छोड़ना और एक नई शुरुआत का कार्ड होता है. किसी को छोड़ना है, किसी रिलेशनशिप का एंड और किसी की नई शुरुआत इस कार्ड को, डेथ कार्ड को दर्शाती है. और ये इनर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी बहुत ज़्यादा बदलाव वाली स्थिति आपके पर्सन की है. तो आपके पर्सन के इंटेंशंस यही हैं कि उस पर्सन को छोड़ के आपके साथ आगे बढ़ा जाए. इसमें उनको लगता है कि किसी न किसी पर्सन का दिल टूटेगा, लेकिन ये वो हार्ट ब्रेक से नहीं घबराते गाइस, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट का, डेथ का कार्ड एक साथ आए, वो थर्ड पार्टी से बहुत परेशान है और कहीं ना कहीं आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं. देखिए, ये आ गया नाइट ऑफ पेंटिकल्स. आपको स्लो एनर्जी है, बहुत स्लो प्रोसेस में है. यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन उनमें आ रहा है बहुत स्लोली आ रहा है, लेकिन आपकी तरफ आएंगे, पर बहुत ज़्यादा धीरे स्लो आएंगे. पहले थर्ड पार्टी को आउट करेंगे अपनी ज़िंदगी से, उसके बाद आपके पास आएंगे. उनको लगता है कि जब तक ये कनेक्शन, या फिर किसी को डिवोर्स देना है, किसी को अपनी ज़िंदगी से आउट करना है या कहना है कुछ भी, तो इसके लिए उनको पहले उससे छुटकारा पाने पड़ेगा, उसके बाद आपके पास आना पड़ेगा. तो ये एनर्जी आपके पर्सन की. अब आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ गाइज में, क्या गाइडेंस है. ये एनर्जी ऑरिकल्स कार्ड है, इनसे आपकी गाइडेंस देखते हैं आपको क्या करना चाहिए. जो मेरे व्यूअर हैं उनको क्या करना चाहिए, स्प्रिट्स हमें एक कार्ड दीजिए. मेरे जो व्यूअर हैं उनको क्या करने की जरूरत है, क्या गाइडेंस है उनके लिए. चलिए देखते हैं. एंजाइटी. ओके, तो गाइज आप शायद, आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं इस कनेक्शन के बारे में. तो आपको एडवाइस यही है कि आप एंजाइटी से दूर निकले, जो भी आपके पास्ट में जो हुआ है उसको भूल के आगे बढ़े. कहीं ना कहीं जो प्रेजेंट है उसको देखिए, कैसे सॉल्व करना है, क्या डिसीजन लेना है. ये हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पे आया, तो बहुत ज़्यादा मेच्योर आपको बनना पड़ेगा. और कहीं ना कहीं ये एंजाइटी जो आपके मन में है, ये जो दुख है पास्ट की चीज़ों से, आपको जो एक्सपीरियंस है उससे सबक लीजिए और आगे बढ़िए. आपको क्या करना है अपने आप पता चल जाएगा. तो आपके लिए ये गाइडेंस निकली. नंबर 18 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है. अब हम चलते हैं पाइल 4 की ओर. अगर आपको कुछ भी पसंद आया, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा. चलिए हम पाइल 4 की तरफ चलते हैं. हेलो पाइल 4, तो जिन्होंने एरीज लियो सेजिटेरियस का कार्ड चूज़ किया था, तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं वो देखने वाले हैं हम. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. फीलिंग्स क्या हैं एरीज लियो सेजिटेरियस के जो पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं, यूनिवर्स हमें बताइए. ऑफकोर्स ये जो मैसेजेस आएंगे वो सबके से रेजोनेट नहीं होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ मैसेजेस आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकते हैं गाइस. तो पूरी रीडिंग जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं साइन वाइज इसीलिए कर रही हूँ ताकि आपसे ज्यादा से ज्यादा मैसेज रेजोनेट हो. ओके, तो सबसे पहला कार्ड हैंगमैन का आ गया. ओके,
हैंगमैन और फीलिंग्स क्वीन ऑफ कप्स। वाह, एक और कार्ड चाहिए, द एम्प्रेस। तो यहाँ पे आपके जो पार्टनर का साइन है वो हो सकता है पाइसिस, एरीज और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, ये आपके पार्टनर का साइन हो सकता है। अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, रीडिंग मैच होनी चाहिए। तो गाइज, आपके जो पर्सन है उनके फीलिंग्स अभी कुछ नहीं करने की है, विदाउट एक्शन बैठे हैं, वो मन में बहुत कुछ आपके लिए सोच रहे हैं, आपके लिए प्यार भी फील कर रहे हैं, आपको हाई रिगार्ड्स भी देखते हैं। उनको लगता है कि आप जैसा पर्सन उनकी लाइफ में नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा, उनको लगता है कि आपके जैसा पार्टनर उनको मिल गया तो उनकी लाइफ में बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो गाइज, आपके जो पर्सन है आपके लिए बहुत कुछ अच्छा सोच रहे हैं, आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं, यानी कि आप ही वो पर्सन है जो उनको नर्चर कर सकते हैं। आप उनकी नाराजगी झेलते हैं, आप उनकी जो हैप्पीनेस है उसको शेयर करते हैं, आप उनके दुख दर्द को समझते हैं, आप उनकी फीलिंग्स को समझते हैं। तो ऐसा पर्सन वो आप में देखते हैं और आपके लिए उनकी फीलिंग्स बहुत ट्रू है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, आपको अपनी फीलिंग्स बताना भी चाहते हैं, लेकिन वो कुछ बात से परेशान हो और हैंगमैन की पोजिशन में। बॉटम में देखते हैं क्या आता है, क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, तो गाइज यहाँ पे आपके पर्सन जो है वो अपनी शायद स्टेबिलिटी के लिए परेशान है। ओवरऑल हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है कि उनकी जो फाइनेंस है वो स्टेबल नहीं है। तो अगर फाइनेंशली वो ग्रो कर लेंगे, स्टेबल हो जाएंगे, तो वो इस हैंगमैन की पोजीशन से बाहर आ जाएंगे और अपनी फीलिंग्स आपको बताने के लिए रेडी होंगे। कहीं ना कहीं उनके मन में आपके लिए बहुत सोच विचार कर रहे हैं। ये हैंगमैन की पोजिशन जब कोई बाहर आता है, ये मेजर आर्कन होता है गाइस, ये लॉन्ग टर्म के आपके लिए आपके साथ सोचते हैं। ये जो बात सोच रहे हैं वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे हैं, ये नहीं चाहते कि आपका जो रिलेशन है वो कैजुअल रहे, वो चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में परमानेंट आए, इसीलिए आपको अपनी फीलिंग्स बताएंगे, पर अपनी स्टेबिलिटी के बाद। वो अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, स्टेबल ज़िंदगी चाहते हैं आपके साथ, तो वो अपने आप को ग्रो करेंगे, उसके बाद हैंगमैन की पोजिशन से बाहर आएंगे, आपको फीलिंग्स बताएंगे और आपको अपनी एम्प्रेस बनाएंगे। तो ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स है गाइस, ये फीलिंग्स है, थॉट्स हैं उनके। हो सकता है कुछ केसेस में आप बता दें ये फीलिंग्स और थॉट्स, कुछ केसेस में नहीं बताएं, ये हम नहीं जानते, लेकिन इंटेंशन जरूर देखना चाहूंगी उनकी, आपके प्रति इंटेंशंस क्या है। चलिए इंटेंशंस देख लेते हैं, वो इस रिलेशनशिप में चाहते क्या है। एरिज लियो सजिटेरियस के जो पार्टनर हैं, इस रिलेशनशिप में चाहते क्या है, इंटेंशंस क्या है उनकी, वो देख लेते हैं। ओके गाइस, वीडियो पसंद आ रहा है लाइक दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंटेंशन में आ गया टेम्परेंस। ओके, मैं सोच ही रही थी। ओके, इंटेंशंस क्या है, बहुत सारे आ गए गाइस, हम नहीं लेंगे। इंटेंशंस क्या है, बहुत सारे गाइस, लेकिन जंप होके आए तो हम ले लेंगे। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, द मून का कार्ड। चलो चार आए हैं तो चारों ले लेते हैं हम। चलिए सबसे सबसे पहले बात है उनकी इंटेंशंस आपके लिए। देखिए नाइन ऑफ सॉर्ड्स का अगेन कार्ड आया है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक नाइन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो आपके पर्सन जो होते हैं वो आपके पर्सन आपके कनेक्शन में इंटेंशंस उनके देख रहे हैं। तो गाइज वो आपके कनेक्शन में बैलेंस चाहते हैं, हील होना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनको हील करें या आप दोनों की हीलिंग हो। वो चाहते हैं कि शांति चाहते हैं अपने जीवन में, कोई कोई भी ड्रामा नहीं चाहते, कोई भी स्ट्रगल नहीं चाहते, वो शांति से इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं टेम्परेंस का कार्ड शांति का होता है, बैलेंस का कार्ड होता है, अपनी लाइफ को बैलेंस बनाना चाहते हैं। जैसे कि देखा हमने उनके थॉट्स हैं अपने आप को स्ट्रगल करना, तो अपने जो बिजनेस या करियर की जो ग्रोथ है उसको आगे बढ़ा के वो एक बैलेंस अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। उसके बाद बहुत कुछ आपके पार्टनर डिसेप्शन है, यानी कि कुछ बहुत कुछ छुपा रखा है आपको, लेकिन बताना जरूर चाहते हैं। ये कार्ड ये कहता है कि आपके कनेक्शन से शायद वो बोर हो चुके हैं, आपको बहुत कुछ छुपा रहे हैं, इसलिए वो आपके कनेक्शन से दूर भाग रहे हैं। अभी आपको जो भी ऑफर है वो स्वीकार नहीं कर रहे, इन एंड आउट एनर्जी होगी, आप मैसेज करते हैं तो कोई जवाब नहीं देते होंगे, लेकिन फिर भी उनकी एनर्जी ये है कि अभी इस कनेक्शन को वो देख नहीं रहे, अपनी ग्रोथ को देख रहे हैं, यानी कि अपने जीवन में बैलेंस लाना चाहते हैं उसको देख रहे हैं। उनको पता है कि आपसे उन्होंने बहुत कुछ छुपाया है, वो इस बात को जानते हैं और आपके ऑफर को अभी स्वीकार नहीं करें, यानी कि इन एंड आउट हो रहे हैं, आपकी बहुत कोल्ड बिहेवियर उनका कह रहा है। और द मून का कार्ड भी कहता है कि उनको कुछ किसी बात का डर है, अगर आपको सच्चाई बताई जाएगी तो वो आप उनके कनेक्शन को से आउट हो जाएंगे, ये बात उनके दिल में घर कर गई है। अगर आपको सच्चाई बताई जाएगी तो आप उनको छोड़ के चल देंगे। देखिए नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी बताता है, अगेन द स्टेबिलिटी का कार्ड आ गया गाइस, ये भी देखिए। ये दोनों कार्ड मिलके ये कहते हैं कि उनको अपनी लाइफ बैलेंस करनी है, स्टेबिलिटी लानी है लाइफ में। उनके इंटेंशंस आपके लिए बहुत प्योर हैं, आपके साथ बैलेंस चाहते हैं, आपके साथ उनको लव भी फील होता है, बट अभी वो अपने आप को गार्डेड करके चल रहे हैं।
अभी आपको कुछ बताना नहीं चाहते, अपने आप अपने चारों तरफ उन्होंने एक ऐसी दीवार बना रखी है, एक बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी है जिससे वो बाहर आना नहीं चाहते, चाहकर भी आपको कुछ चीजें नहीं बताना चाहते। द मून का कार्ड अगेन, आपके आपके प्रति आपसे डरते भी होंगे गाइस, तो आपके जो पर्सन है आपको बहुत कुछ छुपा रहे हैं, अभी बता नहीं रहे, उनकी सच्चाई बता देंगे तो उनको लगता है कि आप उनके जीवन से चले जाएंगे। तो ये एनर्जी, ये इंटेंशंस उनकी है कि आपको कुछ नहीं बताया जाए, सबसे पहले अपनी लाइफ को स्टेबल किया जाए और उसके बाद आपके पास आएंगे और सब कुछ शायद बता देंगे। जो बोरियत आपकी रिलेशनशिप में हो रही है उससे बाहर आना चाहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। ये उनकी इंटेंशन है गाइस, लेकिन डेफिनेटली टेम्परेंस का कार्ड आया तो वो हील होना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनकी इंटेंशन आपके प्रति बुरी नहीं है, वो सच्चाई आपको बताएंगे और तब बताएंगे जब राइट टाइम आएगा। चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। ये एनर्जी ओरेकल कार्ड है, इसमें गाइडेंस निकालना चाहूंगी आपके लिए, क्या गाइडेंस, क्या करना चाहिए आपको। ओके, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन गाइज, अगेन ये बात कह रहा है कि ये कार्ड दो दो बातें कहता है गाइज। आपके लिए एडवाइस नंबर 42 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो आपके पार्टनर गाइज, ये कार्ड ये कहता है कि आप अपने पार्टनर को अपनी जो भी कनेक्शन है उसमें सच्चाई बताएं और उनको अपना बिजनेस पार्टनर बना लें। ये जो पार्टनर, ये ऐसा होता है कि बहुत अच्छा एडवाइजर साबित होगा आपके लिए। अगर आप अपने पार्टनर को अपने बिजनेस या करियर में इन्वॉल्व करते हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छा एडवाइजर नहीं बल्कि सक्सेस भी आपको साथ लगेगी। आप उनको हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा माइंडेड व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा उनको करियर की समझ है, उन्होंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस लिया है। तो अगर आपके आप पर्सन ऐसे हैं तो उनको अपने जो आपका जो बिजनेस करियर है उसमें आप उनको इन्वॉल्व कीजिए, या फिर आप अगर कोई जॉब करते हैं तो अगर उनको भी सच्चाई बता देंगे तो वो भी शायद आपके साथ जॉब करके आप दोनों की ग्रोथ के लिए वो काम करेंगे, आप सब मिलके। अगर आप बिजनेस करते हैं तो उनको बिजनेस पार्टनर बना सकते हैं। तो ये कार्ड कहता है कि आप उनको इन्वॉल्व कर लीजिए अपनी लाइफ में, ना सिर्फ लाइफ पार्टनर बना लीजिए बल्कि उसको सच्चाई बता के अपने जो भी करियर है उनमें दोनों साथ बढ़ेंगे तो शायद ग्रोथ आपके पास लग जाएगी। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि अपनी सच्चाई बताइए और अपनी जो ग्रोथ है उसमें अपने पार्टनर को शामिल कीजिए। जो भी आप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो अपना जो पार्टनर, अपने लाइफ पार्टनर को बनाइए, यानी कि बिजनेस पार्टनर आप बना लीजिए अपने लाइफ पार्टनर को, तो आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगी। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आपको कुछ भी पसंद आया, इस तरह की रीडिंग आपको पसंद आती तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।